कहानी की शुरुआत में हमें जर्सी सिटी को दिखाया जाता है, जहां बीच के किनारे इंसानों के अलावा लैंडक्रैब्स की एक लार्ज कम्युनिटी भी अपना बसेरा बनाकर रहा करती थी। वो सभी वहां बहुत खुशी से मिलजुल कर रहा करते थे, पर उन्हें किसी भी टूरिस्ट सी क्रैब्स का उनके इलाके में आना बिल्कुल पसंद नहीं था, जो अक्सर वहाँ बीच के किनारे अपना वेकेशन मनाने आया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सी क्रैब्स के आने से उनकी आजादी छिन जाती है। वहीं हम आर्मिन नाम की एक लैंड क्रैब को देखते हैं, जिसके साथ उसके सेल में उसका बड़ी एनिमन भी रहा करता था, पर आर्मिन को दूसरे क्रैब से सोशलाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं था, और एनिमन के कहने के बाद भी वो अक्सर अपने सेल में ही छुपा रहता था और उसका ज्यादातर समय अपने सेल में ही बीतता था। तभी वहाँ आर्मिन के तीन मस्कुलर दोस्त आ जाते हैं, जिनका नाम बॉबी, मैनी और जिमी था। वो सभी आर्मिन को आज रात क्लब चलने को कहते हैं, पर आर्मिन हमेशा की तरह इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वो सभी नोटिस करते हैं कि वापस से बहुत सारे सी क्रैब्स वेकेशन मनाने के लिए बीच के किनारे आ चुके थे, और इस बार उनकी संख्या पहले से भी अधिक थी। सी क्रैब्स काफी लग्जूरियस लाइफ जिया करते थे, इसलिए वो अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते थे, पर लैंड क्रैब्स की लाइफ इतनी एंजॉयमेंट भरी नहीं थी। तभी मैनी को वहाँ एक बड़ा सा सेल मिलता है, जिसे देख कर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उस सेल में उसके अपने सेल से ज्यादा स्पेस था, इसलिए बॉबी अपने सेल को उससे रिप्लेस कर लेता है, और बाकी क्रैब्स भी अपने सेल को पहले से अपग्रेड कर लेते हैं। आर्मिन के दोस्त उसे अपने सेल को भी अपग्रेड करने को कहते हैं, पर आर्मिन अपने पुराने और कमजोर सेल के साथ ही ज्यादा खुश था, इसलिए वो ये बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है कि वो अपने साथी एनिमन को नहीं छोड़ सकता। असल में आर्मिन के पास अपने पेरेंट्स की आखिरी निशानी के तौर पर बस वही सेल था, इसलिए वो कभी उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। लैंड क्रैब्स वहाँ रिच सी क्रैब्स को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते थे, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी उनके मैनेजर की थी। मैनेजर उन्हें समझाता है कि सी क्रैब्स हमसे किसी भी तरह से पेश आ सकते हैं, पर हमारा काम उन्हें पोलाइट तरीके से सर्विस प्रोवाइड करने का है। दूसरी ओर हम एक सी क्रैब फैमिली को देखते हैं, जिनमें मॉम और उनके दो डॉटर्स थे, जिनका नाम रमोना और सैली था, पर सैली बचपन से गूंगी थी, जिस वजह से वो किसी से बात नहीं कर सकती थी। वो दोनों एक्साइटेड होकर सी से लैंड पर चले आते हैं और बीच को एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं। वहीं लैंड क्रैब्स वहां उनके खातिरदारी में लगे होते हैं। वहां रमोना की मॉम वेल जब अपनी दोस्त डेनिस से बात कर रही होती है, तब उसे अपने दोनों बेटियों के बारे में बताती है। ये सुनकर डेनिस वहां अपने बेटे मेको को बुलाती है। वो चाहती थी कि उसका बेटा मेको वेल की डॉटर रमोना के साथ रिलेशनशिप में आ जाए, पर रमोना अपनी बहन सैली के साथ मस्ती करने में लगी होती है। वहाँ आर्मिन जब पहली बार रमोना को देखता है तो उसे पसंद करने लगता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। तभी रमोना की मॉम उसे स्प्रिजर बॉय के तौर पर उन्हें सर्विस देने के लिए बुलाती है, इसलिए आर्मिन को वहाँ जाना पड़ता है, जहाँ वो देखता है कि डेनिस के कहने पर उसका बेटा मीको रमोना को इम्प्रेस करने में लगा होता है, इसलिए आर्मिन रमोना से बात नहीं कर पाता और उसे मीको से बहुत जेलसी होती है। घर आने के बाद रमोना अपनी मॉम को कन्विंस करने में लगी होती है कि वो उन्हें सैली के साथ लैंड पर वापस जाने की परमिशन दे दे, और उनकी सेफ्टी के लिए केल उसे मना कर देती है। इससे रमोना बहुत गुस्सा हो जाती है। इधर आर्मिन भी बहुत उदास होता है, क्योंकि वो रमोना से बात करना चाहता था। इधर रात होने पर रमोना सैली के साथ बिना अपनी मॉम को बताए सी से बाहर जाने के लिए निकल जाती है। वहीं आर्मिन जब अपने सेल में सो रहा होता है, तभी उसके दोस्त उसे अपने साथ क्लब ले जाने के लिए आ जाते हैं। आर्मिन को क्लब जाने का कोई शौक नहीं था, पर फिर भी बॉबी और उसके साथी उसे क्लब के लिए उठा ले जाते हैं, क्योंकि असल में वो क्लब आर्मिन के अंकल ब्रूनो का था, इसलिए क्लब में फ्री एंट्री पाने के लिए बॉबी और बाकी सभी आर्मिन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से उन्हें क्लब में फ्री एंट्री मिल जाती है, पर आर्मिन वहाँ एक जगह शांत होकर बैठ जाता है। ये देखकर एनिमन उसे जबरदस्ती क्रैब्स के बीच में डांस करने ले आता है, पर वहाँ अचानक आर्मिन को रमोना नजर आती है, पर कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आर्मिन को उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर जब रमोना उसके साथ क्यूट एनिमन को देखती है तो उससे इम्प्रेस हो जाती है, पर उतने में मीको वहाँ अपने साथियों के साथ उन्हें इंटरप्ट करने आ जाता है और रमोना के सामने उसका मजाक बनाने लगता है। ये देखकर आर्मिन के दोस्त उसे बचाने आ जाते हैं और दोनों टीम्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इससे इरिटेट होकर रमोना वहाँ से चली जाती है। आखिर में लड़ाई के कारण आर्मिन और उसके साथियों को क्लब से बाहर निकाल दिया जाता है, पर अब बॉबी और बाकी सभी समझ चुके थे कि आर्मिन रमोना को पसंद करता था, पर वो वहाँ बॉबी और बाकी सभी के रमोना के सामने फाइट शुरू करने से बहुत दुखी होता है।
इसलिए वो निराश होकर वहाँ से बीच के किनारे चला जाता है। पर वहाँ उसकी मुलाकात मीको और उसके साथियों से होती है, जो उसे अकेला पाकर बुली करने लगते हैं। मीको आर्मिन को उसके सेल से बाहर निकाल देता है और उसके सेल के साथ खेलने लगता है। पर रमोना जब मीको को आर्मिन को परेशान करता देखती है तो उसे रोकने आ जाती है, पर इससे आर्मिन का सेल एनिमोन के साथ पानी में चला जाता है और तभी वहां ऊंची लहरें आनी शुरू हो जाती है, जिससे एनिमोन मुसीबत में पड़ जाता है। ऐसे में रमोना उसकी मदद के लिए आती है, पर इसके बाद भी वो दोनों लहरों के साथ बहते हुए दूर चले जाते हैं। वहीं इतने भयानक डिजास्टर के कारण लैंडक्राफ्ट की कम्युनिटी का बसेरा भी तबाह हो चुका था। पर अगली सुबह जब सभी नोटिस करते हैं कि आर्मिन वहां मौजूद नहीं था तो सभी बहुत चिंतित होने लगते हैं। दूसरी ओर हम बीच के दूसरी ओर पहुंच चुके आर्मिन को देखते हैं। उसे पता नहीं था कि वो कहां आ चुका है और उसके साथ एनिमोन और रमोना भी नहीं थे। तभी उसे वहां एक क्रैब नजर आता है जो एक इंसान से बचकर भाग रहा था, क्योंकि वो इंसान वहां क्रैब्स पकड़ने आया था। पर उनके बहुत कोशिश के बाद भी आर्मिन उस क्रैब के साथ पकड़ा जाता है। इसके बाद उन दोनों को एक क्रैब शॉप में लाया जाता है, जहाँ आर्मिन को एक नया सेल मिल जाता है, जहाँ उनके अलावा वहाँ बहुत से क्रैब उसी केज में कैद थे। पर वहाँ आर्मिन को रमोना मिल जाती है, जो भी उसी की तरह पकड़ी गई थी। वो दोनों अपने घर से बहुत दूर आ चुके थे, जिस वजह से रमोना काफी चिंतित होने लगी थी। असल में वो सारे क्रैब्स वहाँ मेले में बेचने के लिए लाए गए थे। वहाँ रमोना को एक आइडिया आता है और वो अपने जेम्स कोटेड सेल का इस्तेमाल एक रिच कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए करती है, जिससे वो लेडी उसकी डिमांड करने लगती है। पर जैसे ही वो इंसान उसे केज से बाहर निकालने आता है, सारे क्रैब्स यूनिटी बनाकर केज से बाहर आ जाते हैं और उस इंसान पर हमला करके वहाँ से पूरे बीच पर फैल जाते हैं और अपना आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही रमोना और आर्मिन भी एक साथ वहाँ से एस्केप करने में कामयाब रहते हैं। वहाँ से बाहर आने पर रमोना को बहुत खुशी होती है, पर अब वो घर जाने से पहले इस आजादी को सही से एक्सपीरियंस करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ मेले में बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर करती है। पर आर्मिन को ये बहुत खतरनाक लग रहा था। वहाँ आर्मिन को आइडिया आता है कि अगर वो किसी तरह किसी हायर पॉइंट पर जा सके तो वहाँ से उन्हें समझ आ जाएगा कि अपने घर जाने के लिए उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। इसलिए वो छुपते हुए रोलर कोस्टर पर चढ़ जाते हैं। वहाँ से उन्हें ओशन की डायरेक्शन नजर आ जाती है। मकसद पूरा होने के बाद वो रोलर कोस्टर को एंजॉय करके बाहर आ जाते हैं, पर उतने में रमोना की स्किन ड्राई होने लगी थी। ये देखकर आर्मिन स्प्रे का बंदोबस्त करके उसके स्किन को वापस से मॉइस्चराइज कर देता है। इससे रमोना को बहुत अच्छा लगता है। रमोना को वो जगह बहुत पसंद आने लगा था, इसलिए वो आर्मिन के साथ वहाँ खूब मस्ती करती है और इसी के साथ उन दोनों की बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। दूसरी ओर आर्मिन के लापता होने से उसके अंकल ब्रूनो के साथ बाकी क्रैब्स भी बहुत निराश थे और वहाँ उन्हें पता चलता है कि सी क्रैब्स की कम्युनिटी से भी रमोना का कोई पता नहीं है। ये सुनकर मैनी मीको पर रमोना के गायब होने का इल्जाम लगाता है और कहता है कि कल रात रमोना उसी के साथ थी, पर मीको इस सबसे खुद को बचाने की कोशिश करता है और रमोना के लापता होने का जिम्मेदार आर्मिन और उसके तीनों साथियों पर लगाने लगता है, जिससे बॉबी और उसके साथी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और इस झगड़े का परिणाम ये होता है कि लैंड क्रैब्स और सी क्रैब्स दो कम्युनिटी में डिवाइड हो जाते हैं। अब मैनी और उसके साथियों का मकसद हर हाल में अपने दोस्त आर्मिन को वापस लाना था, पर साथ ही वो मीको से बदला लेने की फिराक में भी थे। तब ब्रूनो उन्हें समझाता है कि उन्हें अपनी ताकत को अपनी समझदारी पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मैं भी एक समय पर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करता था, पर एक दिन एक फाइट में मैंने अपना क्लो हमेशा के लिए खो दिया। ये सुनकर बॉबी को उनकी बात समझ आ जाती है, पर इतना सब होने के बाद भी जब मैनी और जिमी मीको को सबके साथ खुशी से क्लब में डांस करता देखते हैं तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उसे सही तरह से सबक सिखाना चाहते थे। पर बॉबी को समझ आ चुका था कि इस समय किसी और को सबक सिखाने से ज्यादा जरूरी आर्मिन को ढूंढना है। पर जब मैनी और जिमी उसकी बात से एग्री नहीं करती तो वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर आर्मिन रमोना को उसके स्किन को वापस से मॉइस्चराइज करने के लिए एक आर्टिफिशियल टाइड के पास लाता है, पर अचानक वहाँ की लाइट जाने से सारा पानी वापस चला जाता है। इसे आर्मिन को बहुत बुरा लगता है और वो रमोना को इसके लिए सॉरी बोलता है, पर रमोना इस बात से ज्यादा खुश थी कि आर्मिन उसकी इतनी केयर करता है। वहीं आर्मिन की तलाश करने के दौरान बॉबी को सैली मिलती है, जो अपनी
अपनी बहन रमोना को ढूंढने में लगी थी। उन दोनों का मकसद अपने अपने साथी को ढूंढना था, इसलिए बॉबी सैली से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और वो शांति से हार मानकर बैठ जाता है। पर तब उसकी सेंसिबल बातों को सुनकर सैली उसकी सोच से इम्प्रेस हो जाती है और इस तरह से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इधर रमोना और आर्मिन भी एक दूसरे से काफी क्लोज हो चुके थे और एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। आर्मिन उसे बताता है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है क्योंकि बचपन में एक भयानक स्टॉर्म के कारण मेरे पेरेंट्स मारे गए थे, तब से मैं कभी पानी में नहीं गया और मैं अपने सेल में ही छुप कर रहने लगा। इस पर रमोना उसे मोटिवेट करती है। दूसरी ओर बॉबी सैली को सुरक्षित उसके घर छोड़ने जाता है और उसे कहता है कि हम रमोना और आर्मिन को जरूर ढूंढ लेंगे। पर सैली के साथ बॉबी को देखकर वेल को लगता है कि वो सैली को नुकसान पहुंचाने वाला था। वो सैली की बात नहीं मानती और बॉबी को बुरा भला बोलकर सैली को वहां से लेकर चली जाती है। इससे बॉबी को बहुत बुरा लगता है। इधर मैनी और जिमी सी क्रैब से अपना बदला लेने के लिए उनकी पार्टी में कोल्ड ड्रिंक का कैन फेंक देते हैं, जिससे उनकी पार्टी का मजा खराब हो जाता है। इस बारे में जैसे ही बॉबी को पता चलता है वो देखने जाता है, पर वहां उसे पता चलता है कि इस कारण से मीको के टीम और मैनी और जिमी में फाइट शुरू हो चुकी थी। बॉबी उनसे फाइट को रोकने की रिक्वेस्ट करता है पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। पर जिस दौरान वो मैनी को मीको से बचाने की कोशिश करता है तभी गलती से उससे मीको का एक लॉ बाहर आ जाता है। बॉबी का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था पर मीको उन्हें वार्न करके जाता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। जाने से पहले वो उन्हें आर्मिन का पुराना सेल दे जाता है और कहता है कि आर्मिन मारा जा चुका है। एनिमोन को भी यही लगता था कि लहरों की चपेट में आकर आर्मिन मारा गया होगा। ये सुनकर मैनी मीको और बाकी सी क्रैब्स को इसका जिम्मेदार मानता है और वो अब पूरी तरह से सी क्रैब्स के अगेंस्ट वॉर करने के मूड में आ चुका था। दूसरी ओर अब रमोना आर्मिन से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी और वो दोनों रिलेशनशिप में आने वाले थे, पर उसी दौरान वहाँ खाने की तलाश में गुजर रहे दो लैंड क्रैब्स उन्हें एक साथ देखते हैं तो उनके रिलेशन को जज करने लगते हैं। इससे आर्मिन भी थोड़ा हेजिटेट होने लगता है। ये बात रमोना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो अकेले ही अपने घर की ओर जाने लगती है। आर्मिन उसके पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है पर रमोना उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए वो आर्मिन को उससे दूर रहने को कहती है। पर अब तक रमोना पानी की कमी के कारण अपना होश खोने लगी थी, इसलिए आर्मिन उसे सहारा देते हुए आगे बढ़ता है। इधर आर्मिन के जाने की खबर सुनकर बॉबी भी अपना आपा खो चुका था और वो पूरी लैंड क्रैब्स की कम्युनिटी को सी क्रैब्स के अगेंस्ट वॉर के लिए तैयार करता है। दूसरी ओर मीको भी यही करता है और उसकी कम्युनिटी भी रमोना के लिए इस वॉर में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर आर्मिन को पता चलता है कि ओशन तक जाने के लिए उसे बहुत ज्यादा लंबा सफर तय करना था। ये जानकर रमोना वहीं बेहोश हो जाती है। आर्मिन ये देखकर बहुत इमोशनल होने लगता है पर फिर भी वो हार नहीं मानता। वहीं दूसरी ओर लैंड क्रैब्स और सी क्रैब्स की पूरी कम्युनिटी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और सिग्नल मिलते ही दोनों टीम एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को डिफीट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उतने में आर्मिन रमोना के साथ वहां पहुंच जाता है। वो जब दोनों क्रैब्स की कम्युनिटी को आपस में फाइट करता देखता है तो उसे यकीन नहीं होता। उतने में उस वॉर में वॉल और सैली घायल होने वाले थे पर बॉबी उन्हें बचा लेता है। इससे वॉल उससे बहुत इम्प्रेस होती है। इधर आर्मिन इस लड़ाई को नजरअंदाज करते हुए रमोना को हाइड्रेट करने के लिए पानी की दिशा में बढ़ रहा होता है, पर जब बाकी क्रैब्स ये देखते हैं तो उनका फाइट से ध्यान हट जाता है। सभी एक लैंड क्रैब्स का दूसरे सी क्रैब्स के प्रति इस केयर को देखकर बहुत शॉक्ड थे। आखिर में आर्मिन अपने पानी के डर को काबू करके रमोना को होश मिलाने के लिए पानी में जाता है, जिसे कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है और वो दोनों फाइनली यूनाइट हो जाते हैं। पर जब आर्मिन डूबने लगता है तब रमोना उसे वहां से किनारे पर ले आती है। वेल और सैली रमोना से मिलकर बहुत खुश होते हैं और आर्मिन के साथी भी उसे जीवित देखकर बहुत खुश थे। वहां फाइनली आर्मिन और रमोना सबके सामने अपने रिलेशन को उन्हें जाहिर कर देती हैं और पूरी क्रैब्स कम्युनिटी को समझ आ जाता है कि ये फाइट शुरू करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। मीको की मॉम उसके इस बिहेवियर से नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद से पूरी क्रैब कम्युनिटी एक साथ यूनाइट हो जाते हैं। आखिर में अपनी मॉम के कारण मीको भी सुधर जाता है और बॉबी से दोस्ती कर लेता है। वो उसे अपनी तरफ से एक सेल गिफ्ट करता है। इसके बाद बॉबी आर्मिन को उसका पुराना सेल लौटा देता है, पर तभी आर्मिन
नोटिस करता है कि स्टॉर्म के कारण एक क्रैब अपना सेल खो चुका था, इसलिए उसे लगता है कि इस सेल की जरूरत उससे ज्यादा दूसरे क्रैब को है और आर्मिन वो सेल उस क्रैब को दे देता है और वो अपने मिले हुए उसी सेल में बहुत खुश था। इसके बाद इस रियूनियन की खुशी में पूरी क्रैब कम्युनिटी साथ में सेलिब्रेशन करती है। अंत में आर्मिन का भी पानी का डर खत्म हो चुका था और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।